अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखाज किचन से। आप लोग सब कैसे हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो आप देख रहे हैं आजकल व्लॉग्स आ रहे हैं, रेसिपीज उसके बाद कंटिन्यू होंगी। तो चलिए, अब फिलहाल हम लोग रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ मेरी जर्नी पे, थोड़ा सा फिर से खाएंगे, पियेंगे, थोड़ा घूमेंगे और आ जाएंगे। आज और कल, फाइनली कल भी थोड़ी धूप निकली, जैसे दुबई का क्लाइमेट होता है वैसे था कल। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर शाम को भी, और आज फिर से सनी डे है, अच्छा सा। नहीं तो रोज़ सुबह ना क्या हो रहा था, एकदम काले बादल और बारिश जैसा सीजन, और ऐसा ऐसा लग रहा था मैं मुंबई में बैठी हूँ। लेकिन हाँ, मुंबई में क्या होता है ना, ठंड नहीं होती है, बारिश होती है, उसके बाद ठंड वाली बारिश नहीं होती है। यहाँ बारिश के बाद ना ठंड शुरू हो जाती है, और ठंड भी कैसी, मालूम है, आपको जैकेट्स वगैरह पहनने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो अच्छा था कि हम लोग ने फ्लाइट के लिए लिए थे, नहीं तो हमें यहाँ से बाय करना पड़ता। और वैसे भी मुंबई में तो जैकेट्स की ज़रूरत लगती ही नहीं, जैसे मुंबई वासी हो आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलिए, आज थोड़ा सा यहाँ के जैसा क्लाइमेट है, दुबई के जैसा क्लाइमेट है, तो चलिए आज हम लोग बाहर निकलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। ओह हैंडसम, फिर तुम रोज चश्मा क्यों है, यहाँ पर क्यों पहन लेते हो? आज तो सनी है, दैट इज राइट। तो आज दिख रही है क्या अरफात, दुबई वाली धूप, दुबई वाली फीलिंग आ रही है, राइट? दुबई वाली धूप और ऐसा, लेकिन ठंड भी है तो मजा आ रहा है। अच्छा, नमाज के लिए बन गए। मुझे आजान की आवाज आई, क्या खूबसूरत आवाज थी, ऐसा लग रहा था कि मैं मक्का मदीना शरीफ में हूँ और वहां की आजान सुन रही हूँ। माशाल्लाह, तो बस मंचिंग का यहाँ से सामान थोड़ा सा ले रहे हैं आसान के लिए, और हम जा रहे हैं आज मॉल ऑफ एमिरेट्स। बेस्ट मॉल है, वन ऑफ द बेस्ट है दुबई का, और सोचा कि मेट्रो से ही चले जाते, तो आज हमने मशीन से ली है टिकटें, और हम तो एकदम प्रो हो गए हैं एकदम। मुंबई में तो हम कभी मेट्रो से जाते ही नहीं है कहीं। मुंबई में कभी मैंने ये ज़्यादा एक ही बार बैठी हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, मेट्रो में। अरे मैं तो प्रो हो गई हूँ, वाह। लास्ट टाइम बुर्जुमन मॉल गए थे तो मैं रह गई थी पीछे, अरफात निकल गए थे और ट्रेन बंद हो गई थी ना, और मैं रह गई थी। फिर मैं नेक्स्ट ट्रेन पकड़ी और फिर पहुंची अरफात के पास, अरफात लोग वहीं बैठे थे। तो हम लोग पहुंच गए, बहुत ही मजा आ रहा है, वाइब्स ही अलग है ये वाले मॉल की, बहुत ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है एक दो दिन और बढ़ा लो। How good is it? Look what I found! Bombay chapati, Bombay chapati. Kajun grill. Eat Greek. अरे विकेट क्रैप में जाते हैं, चलो विकेट क्रैप। इतनी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट्स हैं, खूबसूरत खूबसूरत सी है, ऐसा लगता है अंदर जाएं और खाएं। बट हमें इस बार है ना, हमने ऐसा डिसाइड किए थे कि यहाँ हम खाएंगे अल बैक की चिकन, मज़ा आ जाएगी, तो बस वही ढूंढ रहे हैं हम। कभी इसमें ढूंढिए ना, अल बैक
खूबसूरत लग रहा है। दिस ये मुझे इतना प्यारा लगा ना, इसके लिए मैंने कैप्चर किया। कितना क्यूट सा डोम शेप का बना हुआ है और यहाँ अंदर रेस्टोरेंट है, क्या है क्या पता, या कॉफी का है क्या पता, लेकिन कितना प्यारा मॉल है और बनाया भी बहुत ही प्यारा है। और ये जो लाइट आ रही है नेचुरल लाइट, उससे भी बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये गया, यहाँ है अभी भी, ये यूं ही बता रहा है हमें। तकरीबन 1.5 घंटे के ढूंढने के बाद मिल गया हमें अलबेक। ये प्रैम चोली है, बहुत ही काम में आई है। इट इज रियली कंफर्टेबल, मजा आया था। नहीं तो इसको ऐसा है कि उठा लो, पैर दुख गए, उठा के कितना चलेंगे ना हम लोग। तो प्रैम था ये, बहुत ही मजा आ गया इसके साथ। अभी अरफात लाइन में लगे हैं अलबेक की। ये रहा अलबेक, और आई होप खाना अच्छा हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव फूड ओवर हियर। मैंने पूरा एक अटर्नरी बना के आई थी, खाना कहाँ है, स्पेशली खाना कहाँ है और खाना क्या क्या है और जाना कहाँ है, इसका पूरा मैंने जितने दिन हम लोग यहाँ हैं उतने दिन का बना के आई थी। वेट करना, बहुत ही डिलीशियस है। ये ट्राई मारते हैं, चिकन ब्रूस्ट है ना, ये भी बहुत अच्छा है। पहले से ब्रूस्ट चिकन नहीं कहते हैं, अलबेक चिकन कहते हैं। ये ब्रूस्ट चिकन नहीं है, ये सिर्फ सऊदी में मिलेगा ब्रूस्ट चिकन। सिर्फ मदीना और मक्का में ही ब्रूस्ट चिकन मिलता है। Let's try this cocktail sauce के साथ, I mean dip के साथ। गार्लिक सॉस से भी मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छा लगा। शावरमा। ये चचा। रोटी का बैटर होती ना वो जो पीठा, मत अच्छे टेस्ट को खराब कर रही है। आज का आउटफिट हमारा इन हाउस ब्रांड का है जुलेखा अरफात का। आपको लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर मैं स्क्रीन पर भी डाल देती हूँ इंस्टा आईडी, आप सारी डिटेल्स वहाँ पता कर लीजिए। मेरा तो फेवरेट हो गया ये कुर्ता, आप कहिए आपको कैसा लगा मेरा ये वाला ट्यूनिक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने सिफोरा में भी ट्राई किए थोड़े शेड्स, बट कुछ थोड़े समझ में नहीं आए, थोड़ा समय चाहिए होता है, और मैंने सोचा चलो छोड़ो इंडिया से ही लूँगी। ये कितना खूबसूरत एरिया था ना, तो इतना अच्छा लग रहा था, एकदम पिक्चरिस्टिक लग रहा था ये।
ये पहली और मेरी आखिरी शॉपिंग होगी मॉल से, क्योंकि मैंने ज्यादा मॉल से कुछ लिया नहीं है और मुझे मॉल से कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में ही इतना कुछ मिल जाता है ना। ये भी मैं मुझे चलते चलते दिख गया तो मैंने ऐसे ही ले लिया, ये सारा इंडिया में अवेलेबल है। हाँ जैसे फिली फेमस है वैसे टिम हॉर्टन्स है ना कनाडा और यूएस में फेमस है, स्पेशली कनाडा में। कनाडा के लोग होंगे वो जानते होंगे टिम हॉर्टन्स है और चाय और कॉफी मिलती है, तो मैंने सोचा वो भी ट्राई कर लेती हूँ इस बार। फिली इज नॉट देयर, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, फुली फिली नहीं है यहाँ पे, क्या पता। जो कनाडा के लोग हैं वो जानेंगे कि टिम हॉर्टन्स स्पेशली वहाँ का है, तो कॉफी और चाय है इनके पास और ये भी बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। बट आप चाय नहीं ला रहे हो उसकी? नहीं, आई डोंट ट्रस्ट। चलो ठीक है, सिर्फ कॉफी ले रहे हो, कैपेचिनो। और अरसान क्या चल रहा है? हॉटन्स की कॉफी ट्राई करते हैं। ठीक ही है, चीनी और चाहिए? हाँ, शक्कर और चाहिए। और हम लोग फिर से आ गए पिंक बेरी। वापस लेके आया हूँ भाई, इसमें मार्शमेलोस नहीं, स्प्रिंकल्स है इसमें, नहीं है। वही ले लिया आपने? यस, आई लाइक दैट वन। हमारे फेवरेट पिंक बेरी के खाने के बाद ही मुझे बहुत एक्साइटिंग ऑफर लगा, तो मैंने सोचा कुछ अरफात के लिए मैं ले लूँ। मेरी तरफ से अरफात से मैंने कहा, अरफात कह रहे हैं मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आगे चलते हुए मुझे एक ब्रांड दिखा जहाँ से मैंने दो तीन ये टी शर्ट्स लिए अजहान के लिए और मेरी ननंद की बेटी के लिए, बस ये शॉपिंग की और हम निकल पड़े दूसरे मॉल की ओर। प्लीज एक्टर्स लो यार, नंदू के पास था लेकिन हम नंदू नहीं है, नैंडो। मेरे लिए तो नंदू ही रहेगा। वहाँ एक टार्ट था और एक टार्ट रियली में बहुत ही अच्छा होता है, हमने थाईलैंड में खाया था, मजा आ गया। लेकिन केएफसी में खाया था ना? Yes. लेकिन हमारे इंडिया में केएफसीज में ये नहीं है एक टार्ट, तो हम अभी ट्राई कर रहे हैं, अगर हमें मिल गया लकी है, मज़ेदार होता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं पर भी एक टार्ट नहीं मिला, मैं हर जगह हर इसमें पूछ के आई बट कहीं पर भी नहीं। सरप्राइज हबीबी, वही पाकिस्तान के आज क्या बोले हमने अंदर? इतने अच्छे पापा हैं कि वर्ल्ड में ऐसे इतने अच्छे पापा वर्ल्ड में कहीं भी नहीं। वैसे ये बुर्जुमन मॉल है यहाँ और यहाँ हमने डिनर किया और थोड़ी सी मैंने सोचा अगर विंडो शॉपिंग के साथ साथ कुछ सीरियल वाली शॉपिंग मिल जाती तो मैं वो कर लेती। थोड़ी थोड़ी देर से मैं अरफात को कह रही हूँ रुक जाओ मुझे एक शॉप में जाना है, मैं फटाक से जाके आती हूँ और अंदर से देख रही हूँ कुछ समझ में आता है तो लेने के लिए देखती हूँ, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं हम। शॉपिंग अभी भी चालू है तो जितना कुछ खास समझ में आया नहीं, चलो आगे बढ़ते और कोई दूसरी में जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं और हमें तो बहुत मजा आया, हम लोग जेबीआर जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए, बीच पर जेबीआर बीच है और वो दूसरे मॉल चले गए थे और फिर थोड़ी सी शॉपिंग की, खाना वाना खाए और वापस आ गए। सो अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग भी रहे हैं कि नहीं। तो बस यहीं तक ही था आज का व्लॉग, फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।